जिले के विभिन्न प्रखंडों के सैकड़ों आंगनबाड़ी सेविकाओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। इस दौरान हेमंत सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की गई। आंगनबाड़ी सेविका संघ की प्रदेश अध्यक्ष रीमा देवी ने बताया कि करीब दो वर्ष पूर्व संघ द्वारा मांगों को लेकर आंदोलन किया गया था। उस दौरान विपक्ष के नेता हेमंत सोरेन द्वारा उनकी पार्टी की सरकार आने पर मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक मांग पूरा नहीं किया गया। बताया कि उनकी मांगों ने साबित मानदेय का बढ़े दर पर भुगतान, कोविड के दौरान किए गए कार्य के विरुद्ध भुगतान तथा पोषाहार से संबंधित भुगतान की मांग शामिल है। बताया कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो वे लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। वहीं मांगों से संबंधित ज्ञापन उपायुक्त को दिए जाने की बात कही। कमी रहता है कि हम लोगों का नियमित रूप से कभी मानदेय नहीं मिलता है, कभी 6 महीना तो कभी 7 महीना, कभी 8 महीने से नहीं मिलता है। प्लस पोषाहार राशि का भुगतान भी हम लोगों का बहुत लेट से मिलता है। हम लोग बच्चा लोगों को खिचड़ी देने में बहुत ही हम लोगों को दिक्कत होता है, और साथ में हम लोगों को लकड़ी भी नहीं मिलता है, और गैस हम लोगों को मिला है किसी किसी प्रखंड में, और किसी किसी प्रखंड में बिल्कुल नील है। तो हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं हम लोगों के जिला पदाधिकारी है उनसे कि हम लोगों का मानदेय और पोषाहार नियमित रूप से हर माह दे, और जो गैस हम लोगों को देती है पोषाहार बनाने के लिए उसको भी हम लोगों को हर माह गैस दे, और जो पोषण ट्रैकर में हम लोगों को अभी काम कराया जा रहा है तो पोषण ट्रैकर के लिए हम लोगों को ना तो मोबाइल मिला है और ना ही हम लोगों को उसे नेट पर भराने के लिए दिया जा रहा है, और बार बार हम लोगों को क्या कहते हैं कि दबाव दिया जाता है और चयन मुक्त किया जाएगा। अगर आप लोग पोषण ट्रैकर में काम नहीं कीजिएगा, उसमें दैनिक उपस्थिति नहीं भरिएगा, उसमें गर्भवती धात्री और जो भी लाभार्थी है उसका अगर आप लोग एंट्री नहीं कीजिएगा तो आप लोगों को सीधे चयन मुक्त किया जाएगा, आप लोगों का मानदेय में कटौती किया जाएगा। तो हम लोगों को सभी प्रकार से दबाव दिया जाता है, और 2019 में हम लोग धरना प्रदर्शन दिए थे, उसमें हम लोगों के जो हेमंत सरकार है वो वादा किए थे कि मैं जब भी सत्ता में बैठूंगा तो मैं आप लोगों का मानदेय जरूर से जरूर बढ़ाऊंगा, और मानदेय नहीं उसको मैं वेतन के रूप में एक उसको बदलाव कर दूंगा। लेकिन अभी भी वो हम लोगों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि उनका अभी सत्ता में आए हुए 3-4 साल होने जा रहा है। धन्यवाद। अगर नहीं होगा तो फिर आगे आप लोग नहीं होगा तो अभी तो हम लोग जिला में धरना प्रदर्शन किए हैं, और हम लोग का रणनीति यही है कि 22 जुलाई को हम लोग फिर से राजभवन को घेराव करेंगे और वहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर तो भी नहीं होता है तो हम लोग पूरा नियमित रूप से हड़ताल में चले जाएंगे। क्या नाम है? रीमा देवी, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष। जिला के सेविका संघ उपस्थित है। विशेष रूप से हम लोग का मांग यही है कि हम लोग का जो मानदेय है वो माह के अंत 30 तारीख तक एकदम मिल जाना चाहिए, और मानदेय ही सिर्फ नहीं बल्कि मानदेय के साथ एरियल भी मिलना चाहिए। वो नहीं मिलने से हम लोग भुखमरी के कागार में हैं। इस पूर्व में हम लोग उपायुक्त महोदय को ज्ञापन दिए थे पोषाहार का भुगतान के लिए, उसमें कुछ कुछ ब्लॉक हुई है, आश्वासन मिला हम लोग को मिला भी है, और कुछ कुछ बढ़ाया है जिसको हम लोग दोबारा फिर से ज्ञापन आज देने वाले हैं उपायुक्त महोदय जी से, जो कि हम लोगों को ध्यान देंगे। और रह गया पोषण ट्रैकर है, उसमें हम लोग को दबाव दिया जाता है कि काम किया जाए, तो उसके लिए हम लोग को नेट पैक डलवा के और उसमें हम लोग को मोबाइल उपलब्ध करा के ही ये चीज़ किया जाए। और बार बार जो ऑफिस में बुलाया जाता है, हम लोग को दौड़ाया जाता है, उसमें हम लोग को TADA दिया जाए, क्योंकि जो मानदेय मिलता है वो पूरा हम लोग का निकल जाता है वही आते जाते ही। विशेषकर हम लोग का यही सब मांग है, और ये मांग अगर पूरा नहीं होगा तो आगे हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल तक भी जा सकते। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।